दोस्तों नमस्कार। अपने जीवन में स्वस्थ और निरोगी रहना हम सभी की दिली तमन्ना होती है। उम्र चाहे कोई भी हो, हम टीनेजर हों, युवा हों, 30 से 40 बरस या इससे अधिक आयु वाले प्रौढ़ हों या बुजुर्ग, दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि शारीरिक और मानसिक हम दोनों ही तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सुबह जागने से लेकर रात्रि विश्राम तक की दिनचर्या को अपनी उम्र के अनुरूप नियम पूर्वक और योजनाबद्ध ढंग से चलाएं। जीवन में जल्दी सोने और जागने की आदत हमें स्वस्थ बने रहने में बेहद मददगार होती है। रात सोने से पूर्व हल्का व्यायाम और सुबह की ताज़ी हवा में ऊर्जा से भरपूर व्यायाम आपकी सेहत को कायम रखता है। दोस्तों हमारा शरीर और मन मस्तिष्क यानी बॉडी और ब्रेन दोनों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य हमें कैसे हासिल होगा, यही है हमारी इस वीडियो का विषय। मैं पवन शर्मा आपको आज बताने जा रहा हूँ सेहतमंद बने रहने के ऐसे आसान नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप किसी भी उम्र में निरोगी और स्वस्थ बने रह सकते हैं। आइए जानते हैं आज के 21वीं सदी के इस दौर में लोगों के खानपान और बाज़ारों में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं के अनुरूप हमारी भोजन की आदतों में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं और इनका हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप क्या खाएं क्या नहीं। दोस्तों पिछली शताब्दी के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विभिन्न विटामिनों और शरीर के लिए जरूरी खनिजों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई, जिससे लोगों को भोजन में इनकी संतुलित मात्रा कैसे मिलती है और दिन भर के आहार का सही चयन कैसे करें, वे इस दिशा में जागरूक हो सके। लेकिन दोस्तों व्यापारी वर्ग ने खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी इकाइयां लगाकर घरों तक प्रोसेस्ड फूड्स के रूप में अधपके और लगभग पूरी तरह पकाए हुए खाद्य पदार्थों की एक असीमित श्रृंखला तैयार कर दी। और ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स धीरे धीरे लोगों में लोकप्रिय भी होते गए हैं और विशेषकर आज के युवाओं और ऐसे नौकरी पेशा और व्यवसायियों की पसंद बन गए हैं जो समय की कमी और तेज जिंदगी जीने के बहाने डिब्बों और अन्य प्रकार से पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं को अधिक इस्तेमाल करने लग गए हैं। मगर हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि ऐसी प्रोसेस्ड खाद्य वस्तुएं हमें उनके प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती। इनमें कई तरह के केमिकल्स, कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव मिलाकर इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है, जो हमें बोतल या पैकेट के लेबल पर यूज या बेस्ट बिफोर के रूप में दिखती हैं। ऐसे केमिकल्स इन खाद्य वस्तुओं की पोषक क्षमता को बेहद कम कर देते हैं। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो न के बराबर ही बचते हैं। दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बिना तो संभव ही नहीं है। हमारे शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में एंटीऑक्सीडेंट्स और सूक्ष्म फाइटोकेमिकल्स बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारी कोशिकाओं और तंत्रिकाओं की कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये सभी हमें अन्य पोषक तत्वों यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और स्वस्थ फैटी एसिड्स के साथ मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ ताज़ा सब्जियों, फलों, मोटे अनाजों और दालों सहित दूध और इसके अन्य उत्पादों में, न कि कृत्रिम रंग, मिलावटी चीजों, रसायनों और प्रिजर्वेटिव से भरे डिब्बा बंद प्रोसेस्ड खाद्य वस्तुओं में। इसी तरह शुद्ध दूध का चयन भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। मिलावटी दूध में आप जानते हैं दोस्तों यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड ऑयल जैसी चीजें मिलाकर बेचने वाले कथित ग्वालों और व्यापारियों से हमें हर कीमत पर बचना चाहिए। शुद्ध कच्ची घानी का और सस्ते पाम ऑयल या आर्जिमोन ऑयल की मिलावट रहित सरसों का तेल ही अपनी रसोई में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों सस्ते की आड़ में खुले बिकने वाले मसालों से भी आप दूर ही रहें। लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, हल्दी में लेड क्रोमेट रसायन, धनिया पाउडर में गंधक, काली मिर्च में ये व्यापारी पपीते के बीजों की मिलावट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित मसाले देखकर ही घर लाएं। दालों और बेसन को भी इसी तरह खरीदें और अपनी सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल न होने दें। दवाइयां खरीदते समय भी दोस्तों बेहद सावधानी से काम लें और विशेषज्ञों सहित 2-3 जानकारों की सलाह लेकर विश्वसनीय दवा निर्माता कंपनी की और ताज़ा बैच वाली यानी
अपनी निर्माण तिथि देखकर ही दवा खरीदें। पुरानी या एक्सपायर्ड दवाएं कभी इस्तेमाल न करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी बातों की जानकारी साझा की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन पैनल पर बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।